बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वनीला कस्टर्ड की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए पैन में हम ऐड करेंगे 1/2 लीटर मिल्क और दूध में हम बॉयल आने देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो यहाँ पर जो है दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। तो चीनी जो है दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो देखें, इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया है और ठीक भी हो चुका है। ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा और ठीक हो जाएगा। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब एक सर्विंग डिश ले लेंगे और इसमें सबसे पहले लेयर करेंगे कस्टर्ड की। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, तो मैंने कैंडी बिस्किट्स ले लिए थे 2 पैकेट, जिसका मैंने ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना लिया। अब हम बिस्किट्स की लेयर कर लेंगे। दोबारा से हम कस्टर्ड की लेयर करेंगे, सेट कर लेंगे। अब इसमें हम फ्रूट्स डाल देंगे, अपनी पसंद के जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। मैं यहाँ पर सेब और केले ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स ऐड करने के बाद दोबारा से हम कस्टर्ड की लेयर करेंगे। अब सारा कस्टर्ड हम डाल देंगे और इसे सेट कर देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फ्लावर्स बना लूँगी व्हिपिंग क्रीम से। इस तरह से फ्लावर बनाने के बाद इसमें हम जेली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली ली थी, इसमें हम ऐड कर देंगे और एक एक जेली का पीसेस हम फ्लावर पे लगा देंगे। लास्ट में हम इसके चारों कॉर्नर्स पर डाल देंगे बिस्किट के क्रम्स। तो इस तरह से हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी इजी सी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईजी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।